लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। टीवी स्टार अंकिता लोखंडे को आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में एक अहम रोल मिला है। वो इस फिल्म में झलकारी बाई की भूमिका में नजर आएंगी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मी बाई की सेना में एक महत्वपूर्ण योद्धा थी। आपको झलकारी बाई और उनकी पांचवी पीढ़ी के बारे में बता रहा है। झलकारी बाई की पांचवी पीढ़ी के सदस्य दमे और मंगलवार से मिलने के लिए दैनिक भास्कर .com की टीम उनके भोजला गांव पहुंची। दमे ने बताया, हमारी बाई जो बुंदेलखंड की असली वीरांगना थी, झांसी की रानी, उन पर खुद से ज्यादा विश्वास करती थी। जिस घर में हम लोग रहते हैं उसी में पांच पीढ़ी पहले बाईजू का जन्म हुआ था। जिस परिवार के पूर्वजों का इतना शौर्य रहा हो, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में नहीं है। बच्चे मिलाकर 50 आदमी का परिवार है। सभी खेती पर आश्रित हैं और बुंदेलखंड में खेती के हालात किसी से नहीं छुपे हैं। मंगलवार ने बताया, आज भी हमारे पास वीरांगना झलकारी बाई की पहचान स्वरूप एक तलवार रखी हुई है। हमने सुना है उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बन रही है, लेकिन हमारे पास फिल्म मेकर रिसर्च करने के लिए नहीं आए हैं। आजकल तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना आम बात हो गई है। ऐसे ही झलकारी बाई के जीवन के साथ भी फिल्मों में छेड़छाड़ की जाएगी।